अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हसन कंप्यूटर यूट्यूब चैनल से आपका मेज़बान इमारन ख़ान आज आप लोगों की खिदमत में हसन कंप्यूटर की तरफ से लाया है स्कॉलरशिप बराए सातवीं जमात प्रोविंशनल बेनिवोलेंट फंड खैबर पख्तूनख्वा। ऑनलाइन अप्लाई है 10 फरवरी तक। आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, तरीक़ेकार क्या है, कहाँ पर जाएँगे और क्या प्रोसेस है और कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, यानी कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिए और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों के लिए वेबसाइट और फॉर्म वगैरह सब कुछ आपके लिए रखा हुआ होगा। स्टे कनेक्टेड। तो ये इश्तहार है, एंडोमेंट स्कॉलरशिप स्कीम है, खैबर पख्तूनख्वा बामा जमशुदा कबाइली अजला से ताल्लुक़ रखने वाले ज़हीन और नादार तलबा, सिर्फ लड़के जो सातवीं क्लास में दाखिले के लिए ख्वाहिशमंद हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एबटाबाद पब्लिक स्कूल में स्कॉलरशिप पर सातवीं जमात में दाखिले के लिए दरख्वास्तें रिक्वायर्ड हैं। इस प्रोग्राम के तहत दाखिल शुदा तलबा के तालीमी खर्चात ये इदारा बर्दाश्त करेगा और दाखिले के लिए मौजू उम्मीदवारों का इंतखाब ईटा एंट्री टेस्ट के ज़रिए किया जाएगा जो मुरखा 21 फरवरी 2021 को एतवार के दिन सुबह 11 बजे मुनाकिद होगा। 2 घंटे का टेस्ट है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे इसमें और क्लास 6 यानी छठी जमात के लेवल जो खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंग्रेज़ी, रियाजी, उर्दू और इस्लामियात के मज़ामीन में से वो टेस्ट लिया जाएगा। तमाम तलबा 10 बजे तक मुतालिका इम्तहानी मरकज़ पहुँचेंगे और हर ज़िले से वसूलशुद दरख्वास्तों की बुनियाद पर इम्तहानी मरकज़ का तयन किया जाएगा। अब दाखिले के लिए इंतखाब का मायार और तरीक़ेकार क्या है। सबसे पहले ये कि दाखिला फॉर्म एबटाबाद पब्लिक स्कूल के दफ्तर वेबसाइट aps.edu.vk/downloads.php से हासिल किए जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक इंशाल्लाह दिया हुआ है, फॉर्म आप वहां से हासिल कर सकते हैं। सीटों की कुल तादाद 6 है जो सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर पुर की जाएंगी। एंट्री टेस्ट के लिए उम्मीदवार की उम्र 11 से 13 साल के दरमियान होनी चाहिए। तालिब इल्म खैबर पख्तूनख्वा सूबाई सरकारी स्कूल में गुज़िश्ता 2 साल से पढ़ रहा हो जिसकी तस्दीक मुतल्लिका हेडमास्टर या प्रिंसिपल और मुतल्लिका ज़िले का DO मेल दोनों करेंगे। चौथा ये कि दरख्वास्त फॉर्म के साथ एंट्री टेस्ट फीस यानी बैंक ड्राफ्ट या मनी आर्डर 1500 रुपये बनाम प्रिंसिपल एबटाबाद पब्लिक स्कूल 10 फरवरी 2021 तक पहुंचना चाहिए। तारीख इस तारीख के बाद जो मौसूल शुदा रकम या फॉर्म होगी काबिल कबूल नहीं होगी। उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर लिस्ट 15 फरवरी 2021 के बाद ईटा की वेबसाइट पर देखी जा सकेगी। जो उम्मीदवार क्रेडिट कॉलेजेस और दूसरे सूबों और प्राइवेट या वफाक के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम हैं वो दाखिले के अहल नहीं हैं। अगर किसी ने धोखादेजी काम लिया तो इस सूरत में मुतालिका स्कूल इंतज़ाम और उम्मीदवार के ख़िलाफ़ तहदीबी कार्रवाई भी की जाएगी और दाखिला फ़ौरन मनसूख किया जाएगा। ओके, उम्मीदवार को दरख्वास्त फॉर्म के साथ बैंक ड्राफ्ट मनी आर्डर 1500 रुपये, 4 अदद तस्वीर तस्दीकशुदा तस्वीर, वालिद का शनाख्ती कार्ड और तस्दीकशुदा फोटोकॉपी, स्कूल दाखिल खारिज रजिस्टर यानी एडमिशन विद्रावल रजिस्टर की तस्दीकशुदा नकुल, फॉर्म बी की तस्दीकशुदा कॉपी और वालिद की आमदन की तस्दीकशुदा नकुलात मुहैया करना लाजमी है और फैमिली इनकम 30,000 रुपये माहाना से ज़्यादा न हो। गलत मालूमात फराहम करने वाले अफराद के खिलाफ किसी भी वक्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो ये मुकम्मल निज़ाम उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ गया होगा और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इसके बारे में तो कमेंट सेक्शन में आप जाइए, वहाँ से आप पूछिए और जो फॉर्म है वो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, आपके लिए पड़ा हुआ होगा। बहरहाल अगर फिर भी कोई हेल्प की ज़रूरत है तो इमारन खान आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत मशकूर हूँ हमारे साथ टिके रहने के लिए और मेरी बातें पसंद करने के लिए और हसन कंप्यूटर यूट्यूब चैनल का हिस्सा बनने के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अन करीब मैं आपको एक खुशखबरी देने वाला हूँ और आपका शुक्रिया, थैंक यू एडवांस में। और वो खुशखबरी क्या है इसके लिए हमारे साथ रहिए। अगले चंद दिनों में इंशाल्लाह ज़बरदस्त खुशखबरी आपको मिलेगी। हैव अ नाइस डे एंड अल्लाह वारिस।